एक एक ऑटो में आदमी बैठा था, घसक नहीं रहा था, तो ऑटो वाला क्या बोला, सीबीएसई का है क्या? बहुत ज्यादा असंख्य तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, आकाश। एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे। कितने तारे हैं? 100 अरब तारा एक आकाश गंगा में। 100 तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? तारों के समूह को। एक आकाश गंगा में कितने तारे? कितने तारे? 100 अरब तारे होते हैं। अब तारों को तो सोचिए, आकाश गंगा में तारों की तो कोई कमी नहीं है। तो देखिए, ब्रह्मा आकाश गंगा जो होता है वो क्या होता है, असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश, आकाश गंगा। ये भी क्या है? आकाश गंगा। ये भी आकाश, ये भी। तो जितना ज्यादा बना दीजिए, ये सब क्या कहलाएंगे? आकाश। तो ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कोई भी कमी नहीं है। ब्रह्मांड में आकाश गंगा बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तारों के इस असंख्य समूह को क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे गैलेक्सी। क्या कहेंगे? तो ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। कितनी आकाश गंगा? 100 अरब। कितनी आकाश गंगा? 100। और हर एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। यानी ब्रह्मांड में तारों की कोई कमी नहीं। टोटल आकाश गंगा लगभग 100 अरब, और हर एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे। बाप रे, यानी टोटल तारा तो 100 × 100, 100 × 100। ये हैंग कर रहा है, ये बहुत हीट हो जा रहा है, इसको एसी में रखना पड़ेगा। खरीदने टाइम बोला था कि इसको एसी में रखिएगा, पैनल को। बेचारा ये खुद समझ रहा होगा किसके यहाँ आया है खरीदा। लड़की से पूरा प्लान बनाइए सब, और जितना एकदम बकलोलिया रहेगी सबको आगे बैठा देती है। चलो ध्यान देते हैं आप। हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे हम लोग अलग नाम देते हैं, मंदाकिनी। क्या नाम देते हैं? मंद। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो जो पर्सनल रहता है उसका अलग नाम दिया जाता है। जैसे आप लोग बहुत, हाँ देखो ये बंगाली तुम कह रहा है, हाँ सर अलग नाम देते हैं, सोना, हाँ बाबू सोना। जैसे समाज में तो संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आपका पर्सनल रहता है उसको अलग नाम देते होंगे। कोई हाथी नाम देता होगा, कोई भैंस नाम देता होगा, भैंस। तो साइज के हिसाब से आप नाम देते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से समझते हैं। तो हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम क्या नाम है? मंदाकिनी। पूरे सीबीएसई में कोई काला नहीं था, अकेले थे। ऐसा लगता था ना हंस के बीच में कौआ टहल रहा है, ऐसा लगता। इसलिए हम सीबीएसई छोड़ दिए, और उसमें समझ में नहीं आता था क्या पढ़ा रहे हैं लोग। इंडिया इज ए रिपब्लिक, समझ में नहीं है कौन जी बोले रिपब्लिक बने कौन जी। हमारे जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन सीबीएसई बोर्ड छोड़ दिए। अगर नहीं छोड़े रहते तो कुछ भी नहीं किए रहते। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड खराब है, हम उस हिसाब से नहीं पीट हो रहे थे। समझ में आएगी ना? आप जिसमें पीट हो रहे हैं उसी में रहिए। अपनी क्षमता हम केवल एक भाषा सीखने में क्यों लगाएं? हम अपनी क्षमता सब्जेक्ट सीखने में लगाएंगे, कि ये सीखने में लगा देंगे कि गैलेक्सी ले, गैलेक्सी भाग गया से आकाश गंगा, ठीक है। हम नहीं समझ आया आप अपनी बात। और सीबीएसई वाला ना हिंदी मीडियम वालों को दबा के रखता था, हिंदी मीडियम वालों का जीवन अंधकार में चला गया था। और स्पष्ट, जब किसी पर अत्याचार होता है तो कोई ना कोई उस अत्याचार से लड़। समझ में आ गया कि नहीं? आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर किसी हिंदी मीडियम वाले को सताया जाता है तो उसको खान बाबा की याद आती है। आता है कि नहीं आता है? और हिंदी मीडियम वाला सीना तान के चलता है, अभी भी चलता है। एक एक ऑटो में आदमी बैठा था, घसक नहीं रहा था, तो ऑटो वाला क्या बोला, सीबीएसई का है क्या? ऑटो वाला बोला नहीं घसक रहा, सीबीएसई का है क्या? तो कर आए, कैसे पता है आप?
हुआ कि हमारे यहाँ शिकायत कर रहा था आपके वजह से ऐसा ऐसा सुनने को मिला। हम कहे तुम घसक जाता तो क्या दिक्कत था। आगे बढ़े, बताइए हम लोग किस में रहते हैं, मंदा अंग्रेजवा क्या कहता है। तो हिंदी मीडियम वाला आया, कहा कि मिल्की वे को हिंदी करे दुग्ध मेखला, क्या हो गया दुग्ध मेखला। तो दुग्ध मेखला हिंदी नहीं है, एक्चुअली हिंदी मंदा के नहीं है, मिल्की वे का जबरदस्ती हिंदी बना दिया गया दुग्ध मेखला। आओ यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं, यही हिंदी वालों की खराबी होती है, बड़ी ज्यादा भाषे बना देता है यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो नॉर्मल सब लोग किस में आते हैं, गैलेक्सी, हाँ गैलेक्सी। आगे बढ़े, हम लोग किस गैलेक्सी में, मंदाकिनी, मंदाकिनी को अंग्रेजी में मिल्की वे, अब मिल्की वे को हिंदी में दुग्ध में, यानी हमारा सूर्य किस में है, मंदाकिनी। मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में हमारा अपना सूर्य, और हम सब किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य, हम किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और सूर्य जो है ना, ये भी चक्कर लगाता है, दुनिया का हर आदमी चक्कर मार रहा है। अब तुम लोग गलत सोच लिए तो हम क्या करें, चलिए ध्यान दे, हर, अरे बाबू तुम लोग अब गलत सोचोगे तो हम क्या करें, नहीं समझे, चलिए ध्यान दे, सूर्य क्या कर रहा है, चक्कर लगाता, क्वेश्चन पूछेगा सूर्य किसका चक्कर लगा, मंदाकिनी का, किसका, मन, और हम किसका चक्कर लग रहा है, सूर्य का, हमारा चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, अपृथ्वी सूर्य, असूर्य, और मंदाकिनी ब्रह्मांड का, मंदाकिनी ब्रह्म, इसीलिए ना बोले कि हर इंसान चक्कर मार रहा है, कोई दिक्कत है किसी को, किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े,